आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछे उसका उत्तर दो। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। योग गुरु से बिजनेसमैन बने बाबा रामदेव, जिनको अब लाला रामदेव के तौर पर भी सोशल मीडिया पर जाना जाता है। उनका एक वीडियो का वायरल हो रहा है। हरियाणा में वो अपने किसी मित्र से मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे। उस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की, लेकिन एक पत्रकार ने उनका कहीं ना कहीं पुराना एक मामला उठा करके उनको कुरेद दिया और जख्मों पर नमक रखने की मानिंद उन्होंने सवाल किए। बाबा रामदेव का एक ट्वीट पिछले दिनों काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब देश में मोदी सरकार आ जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकने लगेगा। जिसको लेकर पिछले 6 महीने पहले, जब आपको याद होगा कि लगातार पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे और जब 100 को पार किया था, तो बाबा रामदेव का वो ट्वीट निकाल कर उसको ट्वीट किया जा रहा था, रिट्वीट किया जा रहा था, बाबा से सवाल किए जा रहे थे, और अचानक एक दिन वो ट्वीट बाबा रामदेव ने अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था। क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा और अब 100 से ऊपर पहुंच गया है, कुछ तो बोलिए महाराज। महाराज ने बोलने के बजाय अपने उस ट्वीट को ही डिलीट कर लिया। अब ताजा मामला हरियाणा का है। योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में वो पेट्रोल की कीमतों को लेकर सवाल पूछने पर एक पत्रकार पर बुरी तरह से भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल करनाल में एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से पेट्रोल की कीमतों को लेकर दिए गए उनके पुराने बयान के बारे में पूछा था। पत्रकार की यह बात बाबा रामदेव को पसंद नहीं आई और वो भड़क गए। रामदेव ने पत्रकार को चुप हो जाने की हिदायत भी दी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि जाता है ना, बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछे मैं उसका उत्तर दू? शांत, जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी। रामदेव वीडियो में भड़कते हुए कहते हैं और वो दिख रहे हैं, क्या पूछ उखाड़ लेगा मेरी? तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई ठेका ले रखा है मैंने? कर ले क्या कर लेगा, चुप हो जा, आगे कुछ पूछेगा तो ठीक नहीं। रामदेव के इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने पेट्रोल को लेकर अपने पुराने बयान में कहा था कि जनता को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपये में रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सके। करनाल में पत्रकार ने उनके इसी बयान के आधार पर उनसे सवाल पहुंचा था। आपने देखा किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल बाबा रामदेव ने इस वीडियो में किया है और जिस बदतमीजी के साथ पत्रकार के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनका अहंकार दिख रहा है। और वो ये सिकन्नी काटना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल एक जर्नलिस्ट के साथ किया जा रहा है वो निंदनीय है। और वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के बारे में ये बताने को काफ़ी है कि किस तरह से बाबा अब बिजनेसमैन होने के बाद अहंकारी हो गए हैं और एक धर्मगुरु के बजाय अब सिर्फ उनका मकसद पैसा बटोरना है। और सत्ता के खिलाफ अगर वो बोलेंगे तो उनकी बिजनेस पर असर पड़ेगा, एक दिन में उनको नाप दिया जाएगा। जिस तरह से आपने हालिया दिनों में देखा रुचि सोया का जो मामला हुआ और उसमें से भी मैं जिस तरह से उनके ऊपर जुर्माना लगाया है, उनके ऊपर कार्रवाई की है, बाकायदा एक ऐड निकालने को कहा है कि आप धार्मिक खबरें ना फैलाएं, धार्मिक जो है विज्ञापन ना दें, उसके बाद वापस लेने तक का ऑप्शन दिया गया है निवेशकों से कि अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो एक बड़ा झटका बाबा रामदेव को लगा है। ऐसे में अगर वो मोदी के खिलाफ कोई बात बोलते हैं, बढ़ते हुए पेट्रोल, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कोई बात बोलते हैं, तो उनका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि अब वो बिजनेसमैन है, इसलिए हर चीज़
जो है वो अपने बिजनेस के हिसाब से ही बोलेंगे। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।